बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा और बच्चन घराने की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन आज पूरे 44 साल की हुई। वही ऐश्वर्या राय जिन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर दर्शकों के दिलों को जीत लिया, आज अपने टैलेंट के बल पर बॉलीवुड में भी बड़ा मुकाम हासिल कर पाई है ऐश। ऐश का जन्म 1 नवंबर 1973 को कर्नाटक के मैंगलोर में हुआ। ऐश के पापा एक मरीन इंजीनियर थे और माँ एक हाउसवाइफ। एक बिल्कुल ही साधारण परिवार में जन्मी ऐश बचपन में आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, लेकिन नसीब उन्हें मॉडलिंग के क्षेत्र में ले आया, जहां महज 20 साल की उम्र में ही ऐश ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। ऐसे में किस्मत से ऐश को आमिर खान के साथ एक पेप्सी ऐड करने का मौका भी मिला। इसके बाद ऐश ने मिस इंडिया कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, जहां वो पहले रनर अप बनी। लेकिन इसके बाद जब ऐश ने 1994 में मिस वर्ल्ड में भाग लिया, तब इस हुस्न की मलिका ने तो मिस वर्ल्ड का ताज ही जीत लिया। ये खिताब जीतने पर पूरा हिंदुस्तान इस विश्व सुंदरी की सराहना करने लगा। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद तो जैसे कामयाबी इस खूबसूरत मलिका के कदम चूमने लगी। जी हाँ, इसके बाद ऐश को कई सारे फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। ऐश ने सबसे पहले अपने फिल्मी करियर की शुरुआत एक तमिल फिल्म इरुवर से की, जिसका निर्देशन मणिरत्नम ने किया था। वैसे ऐश को उनकी पहली सफलता तमिल फिल्म जिन से मिली, जो एक सुपरहिट फिल्म थी। वही बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड से भी उस समय ऐश को काफी सारे ऑफर्स आने लगे थे। ऐश ने बॉलीवुड में फिल्म और प्यार हो गया से कदम रखा, जिसमें उनके अपोजिट बॉबी देओल थे। 2000 में शाहरुख के साथ फिल्म मोहब्बतें में नजर आई तो ऐश की काफी सारी सराहना हुई। लेकिन ऐश को कमर्शियल फिल्मों में अपनी सबसे बड़ी सफलता फिल्म हम दिल दे चुके सनम में मिली, जिसमें ऐश के साथ बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान लीड रोल में रहे। इस फिल्म के लिए तो ऐश को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। वैसे उस समय पर्दे का ये प्यार कब जाने असल जिंदगी में भी पनपने लगा, ये तो पता ही नहीं चला। ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच प्यार काफी कुमार पर चढ़ा, जो सुर्खियां बनकर छा गया। इस प्यार का जिक्र आज भी होता है, लेकिन न जाने किसकी बुरी नजर लग गई इन आशिकों के प्यार को, कि ये प्यार कब नफरत में बदल गया ये पता ही नहीं चला। जी हाँ, कुछ सालों बाद ये प्यार में दरारें भी आ गई थी। इसके बाद ऐश ने कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जैसे कि देवदास, खाकी, गुरु, धूम 2, जोधा अकबर, एक्शन रिप्ले और रावण। फिल्म गुरु के साथ साथ 2010 में आई ऋतिक रोशन के साथ ऐश की फिल्म गुजारिश के लिए भी ऐश को काफी सारी सराहना मिली। ऐश्वर्या राय ने अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ ढाई अक्षर प्रेम के, कुछ ना कहो, गुरु और रावण जैसी फिल्में की। पहले तो अभिषेक और ऐश्वर्या राय में सिर्फ अच्छी दोस्ती थी। अभिषेक की सगाई करिश्मा कपूर से हुई थी, लेकिन इसे किस्मत कहे या कुछ और, करिश्मा कपूर अपने मांग में अभिषेक का सिंदूर ना लगा पाई। वही ऐश का रिश्ता सलमान खान और फिर विवेक ओबेरॉय से टूट गया था। सूत्रों की माने तो फिल्म बंटी और बबली के गाने कजरारे के दरमियान ऐश और अभिषेक का प्यार खुमार पर चढ़ा, जहां इन लव बर्ड्स के प्यार की भी चर्चा होने लगी। इसके बाद दोनों ने उमराव जान, गुरु और धूम 2 जैसी फिल्में की। फिल्म गुरु की कामयाबी के बाद ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने 2007 में अपने रिश्ते को एक मुकाम दे दिया। जी हां, दोनों ही बंध गए शादी के बंधन में। 2011 में ऐश और अभिषेक के घर एक नन्ही परी यानी कि उनकी बेटी आराध्या ने जन्म लिया। माँ बनने के बाद ऐश्वर्या राय ने फिल्मों से ब्रेक भी लिया। कुछ समय बाद ऐश की बॉलीवुड में वापसी हुई, जहां ऐश ने फिल्म जज्बा, सरबजीत और ए दिल है मुश्किल जैसे सुपरहिट फिल्में की। वैसे बॉलीवुड के अलावा ऐश ने अपने करियर में कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, जैसे कि द पिंक पैंथर 2, द लास्ट लेजेंड, गुरिंदर चड्डा की फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडाइज, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस। अपनी कई फिल्मों के लिए ऐश को अवार्ड से भी नवाजा गया। तो वाकई इस सुंदरता की मिसाल बॉलीवुड की अदाकारा बच्चन बहू ऐश्वर्या राय का सफर काफी काबिले तारीफ रहा है। मिस वर्ल्ड, एक उम्दा अभिनेत्री, बीवी,
बहू और अब माँ बनकर ऐश्वर्या राय ने अपनी जिंदगी में सभी प्रकार के मुकाम हासिल किए हैं। इससे तो वाकई ही हम ऐश को वुमन ऑफ सब्सटेंस का खिताब जरूर दे पाएंगे। इस बेमिसाल अदाकारा के जन्मदिन के मौके पर बॉलीवुड सन और एएस एंटरटेनमेंट की तरफ से खूब खूब बधाइयां। हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐश्वर्या राय इसी तरह आगे अपने जीवन में कामयाबी का शिखर हासिल कर पाए। वेदिता प्रताप, बॉलीवुड सन.com, मुंबई।